गर्मा गर्म खबर के एपिसोड नंबर 12 को स्टार्ट करने से पहले एक न्यूज आप पहले स्क्रीन पे देखो, जहाँ पे दो लड़कियां जो इंस्टाग्राम लाइव पे लड़ रही है एक लड़के के लिए। भाई लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग है, पहले ये सुनो उसके बाद से गर्मा गर्म खबर को स्टार्ट करता हूँ। तुमसे रियल लाइफ में मिला है? हाँ तो का हम लोग गए थे, घाट पे गए थे, चाय भी पिए थे। तुमको आज तक घुमाया है का? वो हमको घुमाया है। हम लोग मॉल भी गए थे, वो भी परसों। कुछ खरीद दिया तुमको फकीर भी? हाँ। सारी तू उसके लिए आज तक क्या किया ये बताना। तू डोमेस्टिक वर्कर है क्या? बकवास ना कर, सिलाई सीखे हुए, कोर्स किए हुए, तुम जैसे बच्ची लोग से हम पंगा नहीं लेते एक मर्द के ऊपर। मैं इंडिया की फर्स्ट केपॉप आइडल हूँ। वो क्या होता रे? कोरियन गर्ल। सुन तू होगी अपने कोरिया की होगी, हमको ना बता। इंडिया में हमारा राज चलता है और गोपाल हमारा दोस्त है। प्लीज लड़ाई मत करो, वी विल सॉर्ट इट आउट। ओके हमको कुछ सॉर्ट भोट नहीं करना है। गोपाल को तुम ब्लॉक करो। ही इज नॉट रिप्लाइंग मी सिंस 4 आवर्स। बहुत अच्छी बात है, रिप्लाई नहीं देगा वो। मेरे डीएम में आया था और बोला था कि सोसो जो है वो पगल आ गई है, स्टोरी पे हमारा बेइज्जती करती रहती है। कितना फॉलोअर है रे तुम्हारा? 20,000। काहे तुम 20 गोपाल का बेइज्जती करती रहती हो रे? तुम होती कौन हो? अपने औकात में रहो ना। गर्मा गर्म खबर के एपिसोड नंबर 12 में सबसे पहला न्यूज ये है कि भाई योद्धा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और उस ट्रेलर को देखने के बाद जहां तक मेरा रिएक्शन है, भाई इसके अंदर में काफी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई जा रही है कि दो प्लेन हाईजैक होने वाला है और जिसमें से एक में दिशा पटानी होने वाली है। तो भाई ये मूवी को लेकर के मेरी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा आई है। आपने अगर ट्रेलर देखा तो बताओ आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है, और कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि ये जब मूवी रिलीज होने को जाएगी आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाने वाले हो या नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में, और वो है बड़े मियां छोटे मियां। इस ईद को जो रिलीज होने वाली है उसी के साथ साथ एक नई मूवी आ रही है जिसका नाम है मैदान, और ये दोनों मूवी एक साथ रिलीज होने वाली है। जहां पे बड़े मियां छोटे मियां का ऑलरेडी ट्रेलर आ चुका है लेकिन मैदान का ट्रेलर अभी भी आना बाकी है। पर सेंसर बोर्ड की तरफ से जो सेक्शन आया है उस पे दिखाया जा रहा है 2 मिनट 46 सेकंड का ट्रेलर है, और जितने भी लोगों ने देखा है सेंसर बोर्ड की तरफ से उन सबका यही रिएक्शन है कि दिस ट्रेलर इज सुपर्ब, और ये मूवी जो है इस ईद में जाकर के भाई बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। तो आप बताओ आप कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड हो, बड़े मियां छोटे मियां या फिर मैदान अजय देवगन की? बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में, और वो है कि झलक दिखला जा के 11th सीजन को जो है मनीषा रानी ने जीत लिया है। बिग बॉस में नहीं जीत पाई तो क्या हुआ, लेकिन झलक दिखला जा के सीजन को जीत चुकी है। आपका रिएक्शन क्या है, और मनीषा रानी के अगर फैन हो तो यार कमेंट करके बताओ आपको क्या रिएक्शन आ रहा है ये जानने के बाद कि डांस में नंबर 1 हो गई। आफताब शिदवाशानी, रितेश देशमुख और विवेक ओबराय, इन तीनों को मस्ती मूवी में देखा है, और अगर आप मिस कर रहे हो तो भाई आपके लिए अगला गर्मा गर्म खबर यही है कि मस्ती 4 को बनाया जा रहा है मिलाप जावरी की तरफ से, और इन्होंने प्रॉमिस कर दिया है ऑन सोशल मीडिया कि भाई ये तीनों को फिर से रीयूनियन करेंगे और उसके बाद से मस्ती 4 लेकर के जरूर आएंगे। लास्ट मूवी थी ग्रैंड मस्ती, आप बताओ वो मूवी कैसी लगी थी और क्या मस्ती 4 आनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। यार मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, 10 रुपए का चाय बेचने वाला चौली नहीं यार डॉली चाय वाला भाई इतना ज्यादा फेमस हो गया कि भाई बिल गेट्स को जाकर के चाय पिलाया, और भाई साहब से जब पूछा गया कि आपको पता था आप किसको चाय पिला रहे थे, भाई साहब ने कह दिया मुझे पता ही नहीं था, मुझे बस चाय पिलाने के लिए बोला गया, मैंने चाय पिला दिया। तो भाई सोशल मीडिया में फूड ब्लॉग करते करते भाई साहब वो खुद भी नहीं बनाते थे, लोगों ने फूड ब्लॉग करते करते उसको फेमस किया, और आज भाई साहब ने दुनिया का सबसे महंगा इंसान को चाय पिला डाला। यार मुझे बताओ कोई कमेंट में जाकर के कौन सी ऐसी मजबूरी रही होगी बिल गेट्स की कि वो भाई साहब ने ऐसा कुछ कर दिया कि एक मामूली से चाय वाले के साथ में भाई ये बंदा प्रधानमंत्री बन सकता है। कमेंट सेक्शन में जाकर के बताओ तुमको क्या लगता है प्रधानमंत्री बन सकता है या नहीं। संजय लीला बंसाली काफी समय से OTT प्लेटफॉर्म पे अपना डेब्यू करने का सोच रहे हैं, और मैं भी यार काफी लंबे समय से वेट कर रहा हूँ कि कब आएगी हीरा मंडी। अब भाई हीरा मंडी जो है बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो कुछ कैरेक्टर के पोस्टर जो है वो रिलीज किया गया है जिसके अंदर मैं आपको देख सकते हो कि भाई मनीषा कोइराला है और भी कई सारे एक्ट्रेस है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत गॉर्जियस और खूबसूरती की जो मिसाल है ना भाई वो बना करके पेश किया है। तो सोचो अभी पोस्टर जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर में ये पोस्टर पे ऐसी दिख रही है, तो जब हमें OTT नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगा तो कैसा लगेगा कमेंट करके बताओ। इस कंटेंट के लिए आप कब से इंतजार कर रहे हो और कितने ज्यादा ईगरली वेट कर रहे हो कि भाई ये कब आएगा। बढ़ते हैं अगला गर्मा गर्म खबर की तरफ में, बड़े मियां छोटे मियां लखनऊ में जूता चप्पल खाने के बाद में फाइनली सेकंड सॉन्ग के साथ में आए हैं, और वो गाना था मलंग। इस गाने को देखने के बाद जो मेरा रिएक्शन है वो यही है कि एक ही गाना थी जो कि ऑस्कर में गई हुई थी RRR की तरफ से नाटू नाटू, उस गाने का भी भाई इन लोगों ने गोबर कर दिया है। तो अभी जो मेरी उम्मीद चल रही है कि भाई बड़े मियां छोटे मियां की अगर ट्रेलर दमदार नहीं हुई तो टीजर और 2 फ्लॉप गाने देने के बाद में
होगा यही कि भाई बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाएगी फिल्म। आपका क्या रिएक्शन है बड़े मियाँ छोटे मियाँ अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की इस मूवी को लेकर के, कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में। अगर आप ट्रिपल आर देखने के बाद से उम्मीद कर रहे हो कि राजामौली जो है कुछ बड़े से मूवी के साथ में आए, तो भाई महेश बाबू के साथ में वो मूवी शूट कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने कोलैब करने का सोचा है जेम्स कैमरॉन के साथ में। अब उसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं कि इन्होंने अवतार और टाइटैनिक जैसी मूवी दी है, और अगर वो एसएस राजामौली के साथ में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है मूवी। तो भाई आपको क्या लगता है ये जो मूवी आने वाली है महेश बाबू की बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद में ये मूवी कैसी होने वाली है, इसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर के तरफ में, और वो है यश राज फिल्म के तरफ से। यश राज फिल्म बनाने जा रहे हैं विजय 69 एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर में जो कि काफी ज्यादा एजेड है, लेकिन उसके बावजूद जो है इसके ऊपर में एक काफी इंस्पायरिंग से मूवी बन सकती थी, जिसके वजह से ये रिलीज करने जा रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पे। और अभी सिर्फ और सिर्फ पोस्टर के साथ में अनाउंसमेंट किया गया है कि ऐसी कोई मूवी बनने वाली है और नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर के तरफ में, जो कि इस एपिसोड का आखिरी न्यूज है बट नॉट द लीस्ट। ये मूवी है सलमान खान की जो कि है द बुल। इस मूवी का जो आखिरी शॉट लिया गया था उसी से रिलेटेड एक पोस्टर रिलीज किया गया है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपका क्या टेक है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। पोस्टर रिलीज किया गया है, आप देख करके बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे। कमेंट सेक्शन पे क्या बता सकते हो, भूल गया। आपको जिस तरह से स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सलमान खान ने जो लास्ट शॉट दिया था